परिस्थिति के वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए पूर्व कैबिनेट यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा द्वारा आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों को बताया गया कि बांसुर विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा और आमजन की अपील को देखते हुए सबसे पुराने और मंझे हुए राजनेता जिन्होंने पूरे समय बांसुर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका निभाई एवं सर्वजातीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाते रहे, उनकी इस कार्यशैली को देखकर आम जन टिकट वितरण को लेकर भारी असंतोष हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे कहते हैं कि दुख हो रहा है कि पहले राजनेताओं में मतभेद होता था, राजनीति में मतभेद होता था, लेकिन आजकल तो मनभेद हो रहा है। ये बड़े दुख का विषय है। पहले टिकट सर्वे के माध्यम से आम जनता की राय से वितरण होते थे, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कॉरपोरेट जगत के लोगों को टिकट वितरण होता है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। पूरे बांसुर विधानसभा क्षेत्र से सर्वजाति लोग मुझे चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। जनता जनार्दन में आप होती है तो मैं यहीं पर पल्ला और बड़ा भी हूँ और उसके साथ रहा भी हूँ। आम जनता का दुख मेरे से देखा नहीं जाता। शीघ्र ही कोई बड़ा निर्णय आम जनता के आशीर्वाद से लेने की पूरी संभावना है। वंदे भारत से भारत कुमार शर्मा की। बांसुर में मुझे कार्यकर्ता मित्र और गांव से फोन आ रहे हैं कि आप को चुनाव लड़ना है और बार बार मुझे कह रहे हैं। हमने कहा क्यों, उनके प्रत्याशी गले नहीं उतर रहे। जो प्रत्याशी गले नहीं उतर रहे तो वो डिमांड करते कि आप आओ, आपको हमने पजोखा हुआ है। अभी महेंद्र सिंह यादव ने भी एक मीटिंग की, उसमें भी कार्यकर्ता ये कह रहे थे, मतलब जिनको टिकट मिला उनको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, कोई स्वीकार नहीं कर रहा। वो तो टिकट प्राप्त कर लिया, रिजेक्ट भी हो गए टिकट जनता की नहीं मानी। महेंद्र की मीटिंग में देखो सबने आवाज उठाई कि साहब इनको हम नहीं मानते। बसपा देखो गरीबों की पार्टी है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपासक हूँ, मैं उनकी थ्योरी को लेकर साथ चलता हूँ, गरीब को गणेश मानकर। बसपा का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मत एक है, गरीब को उत्थान करना। उन्होंने गरीब के लिए, बहुजन समाज के लिए, सबके लिए काम किया। और वो मायावती एक ऐसी नेता हैं, नेत्री हैं, जिन्होंने अगड़ी जातियों को, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस तरह के बड़े लोग आते हैं, उनका भी, उनमें भी जो गरीब है, उन्होंने उस समुदाय में से गरीब को निकाला। और उनके लिए सबसे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थी, जब वो मुख्यमंत्री, सबसे पहले रेजुलेशन पास करके भारत सरकार को भेजा कि अगड़ी जातियों के गरीबों को भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ऐसी नेत्री की अगर हमको टिकट मिलती है भगवान की कृपा से या नेत्री की कृपा से या जनता की कृपा से, तो हम शहर से ले लेंगे, हमको कोई तकलीफ थोड़ी। मंत्री जी, जो भाजपा के लोगों को टिकट दे दिया, ऐसा ही सेम विद्याधर नगर से किया। भाजपा अपने मूल उद्देश्य को तो भूल गई, जो जन सेवक थे उनको तो भूल गई, और अपनी मन मर्जी से जो जो उनके चाटुकोर है जो, या उनको सूट करते हैं या जो उनको सलाम करते हैं, ऐसे लोगों का समर्थन करने लग गई। कार्यकर्ता को तो भूल गई, गरीब को भूल गई, थर्ड आदमी को टिकट देने लग गई। तो सर क्या लगता है इस बार प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए ये दौर चलता रहा, अभी तो 42 टिकट आए हैं सामने, आगे टिकट आएंगे तो उनको देख कर विश्लेषण करके मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन माहौल और हाल पूरे राजस्थान में बहुत खराब है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आम कार्यकर्ताओं बड़ी बगावत। अभी हाल ही पीएम द्वारा महिला आरक्षण बिल को बढ़ावा दिया है और ये 42 जो कैंडिडेटों की लिस्ट आई है, इसमें महिलाओं को कितने देखिए, हाथी का दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा पहली बार हुआ है। एक तरफ तो महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे थे बड़े जोर शोर से और स्पेशल सेशन बुलाया, तो हमने कहा कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने वाला है या संविधान में कोई संशोधन होने वाला है, और परिवर्तन आया तो बोल टाइम टाइम फिश, कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हैं कि जो आरक्षण महिलाओं में जो चाव चढ़ा था, लास्ट वाले दिन वो चाव निकल गया कि 29 में आएगा, 29 में कौन, 29 है ना, 29 में आएगा तो उसमें कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या व्यवस्था होगी, आप आगे के भविष्य की अभी से जो घोषणा कर दी तो वो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं। नंबर दो, हमने तो आज तक देखा है महिला
पक्षधर का काम तो मोदी जी का कहीं नजर नहीं आया। हाँ, महिलाओं के खिलाफ मोदी जी बहुत ही इसके उदाहरण है। वसुंधरा जी को खुडे लाइन लगा दिया, ममता बनर्जी को खुडे लाइन लगा दिया, आई समझ में, मायावती जी को चुप करके बैठा दिया। तो मैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। खुद के परिवार में बेचारे बुरी स्थिति में जी रहे हैं सब लोग। तो ऐसा योगी तो हमने पहली बार देखा। जितने भी महान हस्तियां हुई, उन्होंने सबने अपने परिवार का ध्यान रखा। भगवान राम ने परिवार का ध्यान रखा, भगवान कृष्ण ने परिवार का ध्यान रखा, भगवान परशुराम ने परिवार का ध्यान रखा। जितने भी भगवान हुए, देवी देवता हुए, उन्होंने सबने रखा, महापुरुषों ने रखा, महात्मा गांधी ने रखा, अंबेडकर जी ने रखा। ये कहाँ से ऐसे आए जो भारत में जो निराली छवि लेकर के उनके आगे पीछे किसी को मानते नहीं ना। अगेन दोबारा भाई रेडी सब? यस सर, आज इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एक तरफ तो पूरे राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का दौर जारी है, लोग मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर कहीं कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पास जाता है तो सबसे पहले चुनाव की बात चलती है और फिर व्यापारी अपना व्यापार से संबंधित बात करता है और उसका दिल लगता है राजनीति की बात करने में। व्यापारी अपना व्यापार छोड़ करके राजनीति में रुचि लेने लग जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और नई सरकार बनने के लिए युवक महिला पुरुष सब तैयार है और मैं समझता हूँ कि नवंबर में इसकी बड़ी परीक्षा होने जा रही है और दिसंबर में उसका परिणाम घोषित हो जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज राजनीतिक पार्टियां 13 और मेरा में फंस गई। अपनी जाति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग धन की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं, कुछ लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने को लगे हुए हैं, कुछ लोग राजनीति में जीना चाहते हैं और मंत्री बनना चाहते हैं। कोई सिद्धांत नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई पहले ये बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, वो कोई आधार नहीं रहा, चाहे जिसको टिकट दे रहे। पहले हमारी पुरानी कहावत है, अपने क्या कहते हैं इसमें हिंदू धर्म में, के साहब खलक आवाज़ अलक आवाज़, जनता की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है और भगवान उसी की आवाज़ से परिणाम निकालता है। लेकिन इस बार तो खलक आवाज़ की किसी ने सुनी ही नहीं। अब तो इस बार तो कोई जाति बिरादरीवाद में चला गया, कोई धनवाद में चला गया और उल्टे सुलटे टिकट बांटे। भारतीय जनता पार्टी का जो गलत टिकट वितरण से जो चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है, कार्यकर्ता त्राईमाम कर रहे हैं, उसका सीधा सा कारण है, सब जो बड़े नेता थे जिनके हाथ में टिकट का दायित्व था, उन्होंने अपनी जात बिरादरी को, अपने धन व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया और कार्यकर्ताओं का हक मार दिया। इससे कोई, मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी एक महीने पहले जिसको ये लग रहा था कि कांग्रेस की विफलताओं के कारण और बीजेपी निश्चित तौर पर राज बनाने जा रही है, आज हालत लड़खड़ा गई है। सबसे खराब स्थिति है तो बीजेपी की है। चारों तरफ जो टिकट दिए गए, सांसदों को दे दिए गए, वहाँ के कार्यकर्ता धरे रह गए। हमारे ज़िले में भी देखो कि वहाँ भिवाड़ी में बहुत बारिश और शराबा हुआ,